हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ट्रेंट लिमिटेड की, यानी कि टाटा का वो एक दमदार कंपनी जिसके अंदर रेगुलरली अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ, कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ इसके अंदर परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सालों से ट्रेंड का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं और आप सभी इस तरह को जानते हैं किस तरह से ये कंपनी अपना कारोबार करती हुई दिखाई देती है। यानी कि ये कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर दूसरे नंबर पर आती है और जो कंपनी पहले नंबर पर आती है उसने इस पहले नंबर वाली कंपनी ने इस दूसरे नंबर वाली कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। अगर मैं छोटे से फॉर्मूले के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो नंबर वन की कंपनी होती है और जो नंबर टू की कंपनी होती है और जो नंबर थ्री की कंपनी होती है, उसमें से नंबर वन कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ से डर होता है कि कहीं दो नंबर की कंपनी उससे आगे ना निकल जाए। और यही रीज़न के हिसाब से पहले नंबर की कंपनी ने दो नंबर की कंपनी के अंदर अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली हुई है कि अगर निकल भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों हाथ से मलाई पहले नंबर वाली को ही मिलेगी। तो यही रीज़न और इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंट लिमिटेड अगर आगे निकल भी जाती है तो पहले वाली कंपनी के अंदर की जो इन्वेस्टमेंट दूसरी वाली कंपनी में लगी हुई है तो दोनों हाथ से जो ऑनर है या कंपनी है उसको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और यही रीज़न है कि ट्रेंड के अंदर इतना दम है कि वो पहली वाली कंपनी को कब तक बीट कर पाती है। तो डेफिनेटली आप इस बात से ये समझ सकते हैं और इस फॉर्मूले से कि हाँ, ट्रेंड में इतना दम है कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये मल्टीवैगर रही बहुत तगड़ा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ मोटे तौर पर इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो तगड़ी रिटर्न अभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ इस शेयर के अंदर एक टाटा ग्रुप की कंपनी के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न के साथ आप देखेंगे परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक आप ये सब जानते हैं कि किस तरह से जो टाटा का ग्रुप होता है उसके अंदर रेगुलरली आप ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, टाटा के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो दमदार रिटर्न के साथ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ, भरोसे के साथ आप ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। और यही रीज़न है कि ट्रेंट के अंदर, ट्रेंट लिमिटेड के अंदर आपको ये पैसा काफ़ी अच्छी कीमत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 70% और 73% तक के रिटर्न यहाँ पर आपको आ रहे हैं। आपको लेकर आ गया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ ट्रेंड लिमिटेड के बारे में और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी इसके ब्रांड को जानते हैं, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता दूँ कि किस तरह से ट्रेंड लिमिटेड अपना काम करती हुई दिखाती है। यानी कि फुटवेयर के सेगमेंट में, एसेसरीज के सेगमेंट में, टॉय के सेगमेंट में आपने मॉल्स के अंदर इसके आउटलेट को देखा होगा और वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक मल्टी और बहुत ही बढ़िया तरह का ब्रांड है, जिनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉल्स के अंदर इनकी प्रेजेंस होती है और बहुत बढ़िया आउटलेट के साथ साथ इनके बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी होते हैं। कंपनी के अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 45,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो इसके अंदर फेस वैल्यू की बात करें, डिविडेंड की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, वो रेगुलरली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कोई भी चीज़ इस तरह की इसके अंदर नेगेटिव बनती हुई नहीं दिखा रही है कि कहीं पर परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आए। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ द 19% से ज़्यादा का हेल्दी डिविडेंड देती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर नेगेटिव की बात करें, थोड़े से नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन अगर दो चीज़ें, पहली चीज़ क्वार्टरली रिजल्ट अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं और डिविडेंड मिलता हुआ दिख रहा है तो और क्या चाहिए। और परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताई कि 73% तक के रिटर्न इसने एक साल के अंदर दिखाए, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत लंबे ग्रोथ के साथ अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से कंपनी दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट है, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और तीसरे नंबर पर है वेदांत फैशन, चौथे नंबर पर है मेट्रो ब्रांड और पांचवें नंबर पर आती है मेड प्लस हेल्थ। तो अगर पहले चार नंबर को ही देख लें, मेट्रो ब्रांड जिसका अभी आईपीओ आया था वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और वेदांत और ट्रेंट और एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर जो कंपटीशन की मैं बात कर रहा था कि एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत तगड़ी मार्केट कैप
नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सुपर मार्ट डी मार्ट को जो आप जानते हैं। इसके साथ साथ ट्रेंट की जो मार्केट कैप है अभी उसके बराबर नहीं, बहुत नीचे है। लेकिन जो पहली वाली कंपनी को जो डर है कि टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और कभी भी कहीं पर भी बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट करके इसको चौंका सकता है, तो उसी के साथ ट्रेंट लिमिटेड के अंदर एवेन्यू सुपर मार्ट ने अपना बहुत तगड़ा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत तगड़ा। और यही रीज़न है कि अगर ट्रेंट लिमिटेड इससे आगे पहली पोजीशन पे निकल भी जाता है और एवेन्यू सुपर मार्ट को दूसरी पोजीशन पे खिसका भी देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पहली कंपनी को दोनों ही हाथों से प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और यही रीज़न है एक शेयर मार्केट का पैसे कमाने का तरीका कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आप दोनों हाथों से मलाई खा सकें। और यही रीज़न है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं दोनों हाथ से मलाई खाने के लिए अपना दिमाग इधर उधर हिलाते रहते हैं, अपना दिमाग इधर उधर चलाते हैं। और इसी के फॉलो करने के लिए हम सब आपके साथ हैं कि किस तरह से हम इस दिमाग को यूटिलाइज करके आज अपने आप भी बहुत सारा पैसा बना सकें। तो इसी पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ कि किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान की जाती है फाइनेंशियली और किस तरह से ग्रोथ के साथ साथ मार्केट के अंदर दोनों हाथों से मलाई को बटोरा जाता है।